एक मुट्ठी आसमान के विट्ठल आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और कुछ अलग काम करने जा रहे हैं। क्या वो काम करने वाले, आज हम उनसे पूछते हैं क्या करने वाले। देखिए क्रिकेट जो ऐसा है वो आए या ना आए लेकिन सबकी रगों में होता है, तो जो बचपन की कुछ हसरतें थी वो यहाँ पूरी हो रही है। अब देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। मुंबई वॉरियर जिंदाबाद। हमारा एक स्लोगन है कि आपकी बार एक ही ललकार, मुंबई वॉरियर्स की जय जयकार। तो ये स्लोगन देखो सीखना पड़ेगा, इज अ न्यू मेंबर ऑफ आवर टीम, तो इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हम सीखा, इस बार होगी एक ही जयकार, इस बार होगी एक ही जयकार, इस बार होगी एक ही ललकार, मुंबई वॉरियर्स की जय जयकार, इस बार होगी एक ही ललकार, मुंबई वॉरियर की जय जयकार। लेकिन इस बार जो है वो बॉल काफी अलग है, नॉर्मल बॉल नहीं है जो, अरे वो दिखती नहीं है, वो कहाँ से कैसी आ जाती है वो समझ में नहीं आती। एक तो बहुत हल्की है, हमें लग रहा है अब आएगी और वो आके चली भी जाती है, तो थोड़ा सा चैलेंज है। क्या स्ट्रेटेजी कुछ रखने वाले, कैसे खेलने वाले, क्या करने वाले? ऑफ कोर्स बॉलिंग के अंदर क्या है कि उसमें एक्चुअली आप शोल्डर अगर यूज करोगे तो आप मैच से पहले ही आपका शोल्डर बिल्कुल एक्चुअली इंजरी हो जाएगी, तो उसमें आपको रिस्ट से छोड़नी पड़ती है बॉल, और जितना ऊपर छोड़ोगे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यही इससे आप मजा है एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मल बॉल से सब लोग खेलते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर इस बॉल से खेलने में सबको प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें से जो अच्छा खेलेगा वो एक्चुअली जीतेगा। तो क्या लगता है अगर वहाँ से अगर कमला होती तो उस बॉल को कैसे ट्रीटमेंट देती, क्या करती? कमला होती तो बॉल को भूख मार देती, स्टंप तक पहुंच जाती। नहीं, कमला होती तो उनका जो ऑरा है उससे स्टेडियम में चार चांद लग जाते। और कल्पी होती तो? कल्पी होती तो लाइट और बढ़ानी पड़ती। नहीं, वो थोड़ी सी डार्क है ना, बाकी वो भी अच्छी है। और राघव होते तो क्या करते? राघव भी कुछ करते, डेफिनेटली कुछ करते, नहीं करते कुछ तो करते जी। अच्छा, अगर चीयर गर्ल्स का काम अगर किसी को देना होता तो किसे देते? चीयर गर्ल्स का अगर हमें खिताब देना होता तो, मतलब या टाइटल देना होता तो एक मुट्ठी आसमान में। हाँ, किसे आप चाहते कि वो यहाँ आके चीयर गर्ल्स बने या चीयर अप करने के लिए आए? आपको, नुपुर को। आप करेंगी? चलिए आइए आइए आइए। ये है नुपुर, ये भी अभी स्लोगन बोलेगी, उस बार होगी एक ही ललकार, मुंबई वॉरियर्स की जय जयकार। सीख लिया। इस बार यही है कि सारी टीम जितनी भी है, हम लोगों की टीम बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट जीते मेहनत करके, तो बाकी सारी टीम्स के लिए थोड़ा सा इस बार जो चैलेंज है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो लोग तैयारी करके पिच पर आए। वही सेम डिटो। नमस्कार, मैं हूं मोहित डागा और आप देख रहे हैं टेली मसाला।